94 बच्चों का नाम इस बेसिस पे काट दिया कि उन्होंने 15 दिन बिना किसी इन्फॉर्मेशन के क्लास नहीं लगाई, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। स्टूडेंट्स का नाम काट दिया गया जिसके कारण हमें बाहर आना पड़ा। हमारी मांगे हैं कि हमारे जो सिलेबस में एरर्स हैं वो ठीक किए जाएं, जो डिटेल्स की कमी है वो सारी डिटेल्स दी जाएं। हमारी मांगे हैं कि हमारे को टीचर्स दिए जाएं, हमारे डिपार्टमेंट में टीचर्स की कमी है। जो चीज़ों की कमी हमें लग रही है, जिन चीज़ों की हमारी डिमांड है, हमने उनके लिए आवाज़ उठाई है। मेरा नाम सूरज है। सूरज, कौन सी कॉलेज से आप लोग हो? हम हैं PLC सुपवा यूनिवर्सिटी से, और मेरा डिपार्टमेंट है फैकल्टी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, जिसमें मैं डिपार्टमेंट डायरेक्शन का छात्र हूँ। आप लोग यहाँ पर रोड पर धरने पर बैठे हो, क्या कारण? रोड पे धरने पे बैठने से पहले हमने धरना दिया था कॉलेज में अंदर, पहले अपने डिपार्टमेंट में दिया था फिल्म एंड टेलीविज़न के, और फिर हमने VC हाउस के नीचे धरना दिया था, जिससे हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। उसके बाद हमारा 94 स्टूडेंट्स का नाम काट दिया गया जिसके कारण हमें बाहर आना पड़ा। क्या आप भी 94 स्टूडेंट्स में शामिल हैं? नहीं। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं कि हमारे को टीचर्स दिए जाएं, हमारे डिपार्टमेंट में टीचर्स की कमी है, हमारे को रिसोर्सेज दिए जाएं जिससे कि हमारे शूट्स जो हैं वो टाइम पर कम्प्लीट हो, हमारा सिलेबस जिसमें डिटेल्स नहीं है और बहुत सारी टेक्निकल एरर्स हैं उनको सॉर्ट किया जाए, और जो हमें क्लासेस नहीं मिलती हैं, कई बार हमारी क्लासेस हमें क्लासेस के लिए किसी और क्लास में जाना पड़ता है, वो क्लासेस दी जाएं। मेरा नाम दिव्या है। दिव्या, कहाँ से आए हो? मैं हिसार से। अच्छा दिव्या, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी रोहतक में खोली गई है स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों को लगता है कि सुविधाएं मिल रही हैं उस तरह से? जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी उस तरह की तो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन जो चीज़ों की कमी हमें लग रही है, जिन चीज़ों की हमारी डिमांड है, हमने उनके लिए आवाज़ उठाई है और हम हमारी मांगे पूरी ज़रूर करवाएंगे। हमारी मांगे हैं कि हमारे जो सिलेबस में एरर्स हैं वो ठीक किए जाएं, जो डिटेल्स की कमी है वो सारी डिटेल्स दी जाएं, जो कि हमारे सिलेबस को अपडेट नहीं किया गया है काफ़ी समय से। 2019 में जब सिलेबस बदला था तो उसी के अंदर कुछ एरर्स थे, कुछ डिटेल्स की कमी थी, और वो अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। तो जल्द से जल्द वो सब ठीक किया जाए, उसके साथ साथ फैकल्टी की भर्ती जल्द से जल्द की जाए। हमारे यहाँ कैमरा डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा कमी है फैकल्टीज़ की। गेस्ट फैकल्टीज़ हैं 2, लेकिन परमानेंट फैकल्टीज सिर्फ 2 हैं, और उनमें से रेगुलर जो है वो 1 फैकल्टी ही क्लासेस लेती है। कितने बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, 1500 के आसपास, लेकिन हमारे जो FTV में हैं वो पर डिपार्टमेंट 15-15 की सीट होती है, जो कि 2019 में 12 से 15 की गई है, लेकिन रिसोर्सेज जो हैं वो अभी भी उतने ही हैं, रिसोर्सेज बढ़ाने की काफ़ी ज़रूरत है। सड़क में हमें अभी 2 दिन ही हुए हैं। दिन रात बैठे रहते हैं? बिल्कुल, 24 घंटे का धरना है। अच्छा, तो कोई मिलने आया सुपवा से अभी तक यहाँ? सुपवा से मिलने अभी नहीं आया है कोई, लेकिन हमें अंदर बुलाया गया है, और हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जिनके प्रोजेक्ट शेड्यूल कर दिए गए थे हमारे सीनियर्स के, उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया है, उन्होंने बातचीत की है, और अभी बातचीत पर ही सब निर्भर है, अभी तक उनका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। बिल्कुल, हमारे पास और जगह नहीं है, हमें कॉलेज में एंट्री नहीं दी जा रही है, तो हम बाहर बैठ गए हैं। कॉलेज में एंट्री बैन कर दी गई? बिल्कुल, 94 बच्चों का नाम इस बेसिस पे काट दिया कि उन्होंने 15 दिन बिना किसी इन्फॉर्मेशन के क्लास नहीं लगाई, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि हम लगातार एप्लीकेशंस दे रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, उसी फैकल्टी से मीटिंग कर रहे हैं जिन्होंने हमारा नाम निकाल दिया। तो 15 दिन तक आप लोग क्या कर रहे थे, वो बच्चे क्या धरने पे बैठे हुए? बिल्कुल, हम धरने पे बैठे थे VC सर के ऑफिस के नीचे, हम लोग प्रिमाइसिस में बिल्कुल इन्फॉर्म करने के साथ साथ मीटिंग्स भी हम अटेंड कर रहे थे। धरने पर आप लोग बैठे थे इसलिए नाम काट दिया गया? बिल्कुल, इसी वजह से किया गया था कि हमारा धरना उठ जाए और हम अंदर जाने के लिए फिर से अंडरटेकिंग भर दें, जो कि हम बिल्कुल भी माफ़ीनामा साइन करने के लिए कोई भी रेडी नहीं है हमें से।